गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉग में। और कैसी है मेरी सब लोग यूट्यूबर फैमिली, ठीक होंगे वैसे तो। और आज मैं बात करने वाली हूँ, गंदी बात नहीं करते फिर। हाँ, मुझे पता है, देख केशव कैसे ड्रामा कर रहा है, इसे पता है मम्मी वीडियो बना रही है, तो चलो ड्रामाबाजी चालू कर दो। नहीं, गंदी बात नहीं, अब अभी रुक जा। तो मैं बात करने वाली यूट्यूब उसके टिकटॉक के ऊपर और अपनी फ्रेंड के ऊपर, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है यार, उन्होंने सपोर्ट किया है और बहुत अच्छी हैं वो। तो सबसे पहले कर लेते हैं टिकटॉक के ऊपर बात। आपने सबने देखा होगा फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हो रही है सबसे ज़्यादा, जो कि चार लड़कियों ने टिकटॉक जो कि चार लड़कियां बहुत रो रही हैं टिकटॉक के ऊपर, बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है भाई, ये बंद नहीं होना चाहिए, चालू कर दो फिर से। और देखो एक तरफ की बात बताऊँ, थोड़ा लगता भी है क्योंकि भाई टिकटॉक वीडियो बनाने लग गए थे, थोड़ा उन्होंने अच्छी वो कमा ली थी उन्होंने पहचान टिकटॉक से, और देखा जाए तो उनकी वीडियो बहुत अच्छी वायरल हुई थी। और ये नहीं सबकी हुई अच्छी, सब हुई है किसी किसी की, और पर लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ सच में बिल्कुल भी। टिकटॉक बंद हो गया, मुझे दुख नहीं हुआ है। और मैं भी बनाती थी टिकटॉक वीडियो, लेकिन आज से 2-2.5 महीने पहले हटा दिया, अपना ऐप हटा दिया मैंने और वीडियो भी बंद कर दी है काफ़ी दिन पहले। और बिल्कुल दुख नहीं हुआ कि भाई टिकटॉक क्यों बंद हो गया, बंद नहीं होना चाहिए। देखो कई लोगों ने अपनी पहचान भी बनाई है, बहुत लोगों ने अपना हुनर भी दिखाया है, और कई लोगों ने इसका गलत फ़ायदा भी उठाया है टिकटॉक का, बिना मतलब की वीडियो जो नहीं है देखने की बच्चों के लिए वो भी डाल रहे हैं, और जो है वो तो डाल ही रहे हैं फिर तो। और टिकटॉक तो हर किसी के फ़ोन में मिलेगा ज़्यादातर, ये नहीं कि मैं जितने भाई जिन पे फ़ोन है सब पे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर मिलेगा ही हर किसी के फ़ोन में, 2-4, 10-12 या फिर 1,000 फ़ोन ऐसे होंगे जिसके फ़ोन में टिकटॉक नहीं होगा। हमारे यहाँ पर गाँव में बहुत सारे फ़ोन, उनके यहाँ पर भी टिकटॉक था और अब नहीं है किसी के फ़ोन में, मेरे फ़ोन में भी नहीं है। और मुझे सच में बिल्कुल दुख नहीं है कि टिकटॉक बंद क्यों हुआ है और क्यों मतलब कर दिया ये, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है सच में। तो भाई पागलपंती मत फैलाओ, रो रो कर क्या है फेसबुक पे फालतू की वीडियो डाल रहे हो ये कि बंद होना चाहिए। और जब हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए थे या इतने सारे लोग मारे जा रहे थे, जब रोना तो आया नहीं होगा बिल्कुल भी, क्यों आएगा भाई रोना, उनका तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, जिनके मरे उनको उनसे पूछो जाकर, तुम्हारा तो कोई नहीं गया, तुम्हारा तो खाली टिकटॉक वीडियो गई है बस। और एक ने तो ये कहा कि 15 सेकंड के वीडियो में कैसे बनाऊंगी, 15 सेकंड की वीडियो की पड़ी हुई है, उनका तो पूरा ज़िंदगी भर का जो किसी का भाई, किसी का पापा, किसी के पिता, किसी के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, किसी के बहुत सारे लोग चले गएंगे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा तो कोई नहीं गया है ना, हमारा कोई नहीं गया इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनके गए हैं उन्हें फ़र्क पड़ेगा, उन्हें पड़ता है फ़र्क। और जो टिकटॉक वीडियो बनाए हैं भैया, जिनकी जो रो रहे हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वीडियो के लिए रो रहे हैं, वो वीडियो स्टार्ट हो जाना चाहिए उनकी, बस इसीलिए रो रहे हैं वो। छोड़ो वैसे टिकटॉक वीडियो पर क्या वो ज़्यादा टॉपिक करना, छोड़ो इसे, वैसे तो बहुत सारे लोग करते हैं इस पर बात कर ही रहे हैं, वैसे भी मैंने भी कर दिया थोड़ी बहुत बातें, मेरे मन में जो बात थी सो कर दी है मैंने, अब कर देती हूँ मैं यूट्यूबर यूट्यूब की वीडियो के बारे में। मैंने जब पहले शुरुआत में मैंने आज से 6 महीने पहले यूट्यूब की जब वीडियो बनाई थी, आज से 6 महीने पहले शुरुआत में जब बनाई थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी प्रीति, बहुत अच्छी है सच में, बहुत ही अच्छी, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है देखा जाए तो। क्योंकि जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग वीडियो की थी ना, तो रश्मि शर्मा की जो वीडियो आती है देहरादून की, वहाँ से स्टार्टिंग मैंने शुरू की है देखना, जब मुझे शौक लगा है उनकी वीडियो से ही, वैसे मुझे कोई शौक नहीं था, उन्हीं की वीडियो शौक लगा है भाई कि मेरा ही मन करता है अपने फैमिली ब्लॉग दिखाऊँ, अपने घर के लोग, घर गृहस्थी सब चीज़, वैसे तो घर का काम सबको पता है, सबको आता है, पर लेकिन करने का तरीका अलग अलग होता है, कौन कैसे करता है, कौन कैसे करता है, और बस यही होता है कि मैं किसी और से सीख लूँ, कोई मुझसे सीख ले कोई चीज़ें, बस यही होता है। और तो क्या हुआ, वहाँ पर जाके मैंने वहाँ पे कमेंट किया था उनकी वीडियो पे कि मैंने अपना नया चैनल बनाया है, मतलब आगे बढ़ पाएगा या नहीं, कैसे क्या होगा।
पता नहीं ऐसे कुछ सब वो किया था मैंने। तो वहाँ से प्रीति ने मुझे रिप्लाई किया था वापस कि आप वीडियो बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। सच में वो कमेंट इतना अच्छा लगा मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको कितना अच्छा लगा। कि एक होती है ना, देखो अगर किसी ने एक हाथ बढ़ाया तो अपना ही मन करता है कि चलो भाई किसी ने तो हाथ बढ़ाया है ना। अगर पहले वीडियो पे अगर गलत कमेंट आया था या कोई नहीं देखता, एक दो दिन तक भी नहीं देखता, एक दिन भी नहीं देखता, तो शायद मन नहीं करता, वीडियो बनाने का। शायद वो आखिरी और पहली वीडियो होती मेरी, वो पहली और आखिरी वीडियो होती, तो उन्होंने आके हाथ बढ़ाया भाई आप बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा हुआ था। और हाँ तो होता है, देखो अगर कोई नहीं करता, अगर सपोर्ट नहीं करता तो शायद मन नहीं करता। किसी ने हाथ बढ़ा दिया तो हमारा भी मन कर गया ना, आगे बढ़ने की इच्छा हुई। और अगर कोई वीडियो को लाइक करता है, अपने लाइक को देखकर, कमेंट को देख के, अपने व्यूज को देख के, थोड़ा मन भी करता है कि चलो भाई थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिल ही रहा है। अपनी हैसियत के हिसाब से ठीक है, ये नहीं कह रही हूँ कि भाई सब्सक्राइब इतने हैं तो व्यूज़ उतने होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है अपने उसके हिसाब से, और फिर सब कुछ भगवान के ऊपर होता है, वो चाहेंगे वही होता है। वो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, कुछ भी करते हैं। अगर वीडियो बंद करना चाहें तो अच्छे के लिए होगा, चालू रखें तो भी अच्छे के लिए होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। और बस यही कहना चाह रही थी, सच में प्रीति बहुत अच्छी है और मेरी वीडियो देखती भी हैं, और उनके पास मेरा वो भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, तो उनसे बातें भी होती रहती हैं कभी कभार, ऐसी हाय हेलो कैसी हो, गुड मॉर्निंग वगैरह ऐसी बातें होती रहती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं पर्सनली बातें वो भी होती रहती हैं। ऐसा होता है, विश्वास के ऊपर होता है, अगर दोनों बहनों में विश्वास होता है तो पर्सनली बातें हो जाती हैं, दोनों बहनों में नहीं है तो कहाँ से हो जाता है, कहीं नहीं हो पाता, फिर ऐसे कोई नहीं बताता अपनी बातें। तो विश्वास के ऊपर कायम दुनिया कायम है वैसा देखा जाए तो। और पता है क्या होता है, और ये वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जा रही है। तो चलिए छोड़ो उसे बात को, तो उतनी उनकी तो जितनी तारीफ़ करती जाओ ना उतने तो बहुत कम है। अगर उनकी पर्सनल बातें करने बैठ जाऊँ मैं उनके बारे में तो शायद 10 मिनट भी कम पड़ जाए। तो शॉर्टकट में बातें बताइए मैंने उनके बारे में तो। और उनका चैनल नहीं है, यूट्यूब पर चैनल नहीं है, तो उनकी आईडी बन रही है जतिन ठाकुर के नाम से। तो कभी मेरे कमेंट पर भी देखना, वो ज़रूर कमेंट करते हैं मुझे जतिन ठाकुर के नाम से, पर लेकिन उनका नाम प्रीति है। और अच्छी हैं बहुत, सच में बहुत अच्छी हैं, भगवान करे उनका हमेशा भला ही हो, जिन्होंने मेरा भला कर दिया शुरुआत में ही, उनका हमेशा भला हो, सच बता रही हूँ मैं, दिल से यही दुआ करती हूँ। इन किसी की भी ज़िंदगी में अगर कोई मुझे सपोर्ट कर रहा हो, किसी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आ गया बिस्कुट खा लो भाई, बिस्कुट खा लो, बिस्कुट खिला रहा सबको। किसी की भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही हो तो भाई सॉल्व कर दी जाए, भगवान भगवान करे जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, वो छुटकारा मिल जाए उन्हें जिंदगी प्रॉब्लम से। बस बस खा लिया सबने, खा लिया, हाँ खा लिया, बस बस पहुँच गया सबके मुँह में। तो चलिए अब मैं आपको पनीर की चटनी की रेसिपी दिखाती हूँ इससे आगे, ठीक है। तो नकुल भी आ गया, ये भी बिस्कुट खा रहा है। तो इससे आगे मैं पनीर की चटनी दिखाती हूँ मैं कैसे, मुझे एक भैया ने बताया था, बोला था कि शेयर करना चटनी, तो वही चटनी शेयर करी है मैंने, पनीर की चटनी, तो बताना मुझे कैसी बनी है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, और मेरा वीडियो भी वहीं एंड भी वहीं से हो जाएगा, हाँ तो वीडियो का एंड भी मेरा वहीं से हो जाएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, एक नई वीडियो के साथ चटनी देख लेते हैं। तो बाय बाय कर दो, बाय 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 कर दो, बाय 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 बाय। तो यहाँ पर मैंने लिया एक वो प्याज लिया है, छोटा छोटा काट लिया है, और हरी मिर्च लिया है, और हरी मिर्च और प्याज में ही काट लिया मैंने दोनों साथ में, ताकि दोनों साथ में ही भुन जाए। हरी मिर्च में कभी अलग नहीं काटते, प्याज में ही काटती हूँ हमेशा, अलग नहीं काटती। तो यहाँ पर लिया मैंने एक छोटा सा टमाटर, टमाटर मैंने छोटा सा ही लिया है क्योंकि ज़्यादा टमाटर नहीं अच्छा लगता मुझे चटनी में। और यहाँ पे लिया है मैंने पनीर, छोटे छोटे पीस काट लिए हैं मैंने पनीर के। तो पनीर पनीर की चटनी बन रही तो भाई पनीर तो होना चाहिए, तो पनीर के छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चटनी बनाना। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने लिया है सरसों का तेल और जीरा, तेल गर्म हो जाए अच्छी तरह से तभी जीरा डालें, और उसमें डाल दिया है मैंने प्याज और हरी मिर्च,
और तेल को अच्छे से गरम करके ही डालें इसमें जीरा और प्याज, नहीं तो अगर तेल के कच्चेपन की स्मेल आई तो अच्छी नहीं लगेगी, ना ही तो चटनी और ना ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। कच्चेपन की स्मेल नहीं आनी चाहिए बस किसी भी चीज़ में। तो मेरा अच्छे से गरम हो गया था और ज़्यादा नहीं भूननी है। यहाँ मैंने मसाले लिए, 3 मसाले लिए हैं बस, हल्दी नहीं डाली है इसमें, चटनी में हल्दी नहीं डालती हूँ मैं इस वाली चटनी में। और वैसे कोई देखा जाए तो कोई सी भी चटनी उसमें हल्दी नहीं डाली जाती है। तो मैंने सिर्फ पिसे धनिया और नमक और लाल मिर्च लिया था बस। और यहाँ मेरी प्याज हल्की सी भुन गई है तो मैंने यहाँ पर लिया है टमाटर। और प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना, अगर ज़्यादा भूनी तो बेकार हो जाएगी, फिर वो कड़क कड़क सी हो जाएगी, बस हल्की सी सुनहरेपन पे आ जाए बस। और उसमें मैंने डाल दिया टमाटर और यहाँ पे मसाले में पानी में घोल कर अच्छे से तब डाला है मैंने, और ज़्यादा पानी नहीं डाला है, आपने देखा भी होगा, सिर्फ मसाला मिलाया है पानी में और बहुत से बहुत 1 घूंट डाला है मैंने पानी बस, और ज़्यादा नहीं डाला चटनी में ताकि वो अच्छे से पक जाए मसाला। तो ये देखिए मैंने बीच बीच में चलाती भी रही, ऐसा नहीं है कि ढककर छोड़ दो, तो मैंने बीच में चलाती भी रही। अब मुझे लगा कि हाँ मेरा पानी थोड़ा सा मर गया इसमें, तो मैंने इसमें डाल दिया है पनीर। तो फिर क्या, बस अब तो पनीर डाल ही दिया है इसमें। अब मैं इसमें 10 मिनट तक और पकाऊंगी, जब तक कढ़ाई में नीचे तरे में लग ना जाए चटनी, हल्की हल्की लगे ना तो फिर बंद कर दें गैस एकदम, तो फिर लगे कि हाँ भाई अब बन गई है, देखिए मेरी चटनी बन चुकी है एकदम। तो तेल अपने हिसाब से डाल सकते हो, ऐसा नहीं मैंने इतना सारा डाला तो आप भी डालो, अपने हिसाब से कर सकते हो कम या ज़्यादा। तो मुझे तो अच्छा लगता है चटनी में थोड़ा तेल सा हो। तो बताइए मुझे कैसी लगी है मेरी चटनी फिर।